करजण તાલુકાના મિયા ગામ ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની જાહેર સભા યોજાઈ હતી જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા। आगामी 3 सप्टेम्बर योजना करजन सीनोर पोर विधानसभा की बैठक की पेटा चूंटी संदर्भे मियागाम खाते गत रात्रि भाजप की जाहिर सभा योजाई थी। सभा मुख्य वक्ता स्मृति ईरानी ने पोताना संबोधन में जणाव्युं हतुं के हुं अक्षय पटेल ने आशीर्वाद आपवा आवी छुं। तेओए कांग्रेस पर आकरा प्रहारो कर्या हता। वधुमां तेओए जणाव्युं हतुं के भाजप आप सौनी सेवा करी रह्या छे। लांबा समय थी चाल्या आवता मुद्दा पर भाजपे आप सौने मदद करी शके छे एम तेम छे। 3 तारीखे कमरनुं बटन दबावता तेओ अपील करी हती। कांग्रेसे विशे बोलता तेमणे कह्युं हतुं के कांग्रेस पोताने अंदरोअंदर तोड़वा मांडी छे। कोई संगठन पोताना हितने राष्ट्रहितथी मोटुं समझे तेनुं पतन नीति छे। तेमणे जणाव्युं हतुं के वधुमां तेओ जणाव्युं के देशनुं दुर्भाग्य छे के कांग्रेसे भ्रष्टाचार करी जनताने विकासथी वंचित राखी छे। एवा पण तेओ आक्षेप कर्या हता के जाहेरमां सभागृह मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा, सांसद रंजतबेन भट्ट, करजण बैठक ना उम्मीदवार अक्षय पटेल, सांसद मनसुभाई वसावा, अरुण सिंह राणा तेमज तालुका जिलाना भाजपना कार्यकरो उपस्थित रहा था। समग्र भारत की अंदर जेनी एक आगवी ओळख छे, जेमणे एसआरई અને ટેક્સટાઇલ મિનિસ્ટર તરીકે સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનું કામ કર્યું છે। જેઓએ રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે અને ઉત્તર પ્રદેશમાં અમેઠીમાંથી રાહુલ ગાંધીને જેને જડબાતોડ હાર આપી છે, એવા માનનીય મંત્રી શ્રી મૃતિબેન એ પ્રમાણે જેના માટે આજની આ સભાનું આયોજન કર્યું છે, એવા આપણા ઉમેદવાર અક્ષયભાઈ, એવા જ આપણા પૂર્વ ધારાસભ્ય કરજણના આજ ક્ષેત્રના સતીશભાઈ, માનનીય સાંસદ રંજનબેન, માનનીય શબ્દશરણભાઈ, માનનીય જયદ્રથસિંહજી, માનનીય દેવુસિંહભાઈ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સૌ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ અને કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત આપ શોભા નહીં દેતા। યે વો કોંગ્રેસ પાર્ટી હૈ જિસને દેશ કા વિરોધ તબ કિયા જબ ધારા 370 કો હટાને કે લિયે મોદી સરકાર ને દેશ કી સંસદ મે પ્રસ્તાવ કિયા। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने संविधान का अपमान किया और धारा 370 को हटाते वक्त देश की संसद ने ये प्रश्न किया कि क्या देश की संसद, देश के संविधान में इतनी ताकत है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक ही ध्वज के नीचे बांध दे। आज ऐसी कांग्रेस पार्टी गद्दारों की बात करती है। अरे जिन लोगों ने भारत की सेना से प्रमाण मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर हमला किया तो कैसे किया, जिस कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ स्वर से स्वर मिलाया, आज वो कांग्रेस पार्टी गद्दारी की बात करती है। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जेएनयू में जाकर भारत को टुकड़े करने की बात कही, आज वो निर्लज कांग्रेस गद्दारी की बातें करती है। अगर उनको जवाब देना है तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, भारत मां का जयकारा लगाओ। आज ये निवेदन करने आपके मध्य आई।